आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में विश्वकर्मा समाज के लोगों ने आगामी 17 सितंबर 2021 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर एक दिवसीय शासकीय अवकाश घोषित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। वही संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार से अपील की जाती है कि औद्योगिक संस्थानों, कारखानों, उद्योग एवं निजी संस्थानों में यंत्रों, मंत्रों एवं तंत्रों के देवता भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पूजा अर्चना की जाती है एवं धार्मिक अनुष्ठान के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है एवं धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, जहां इस आयोजन में विश्वकर्मा समाज के नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति तकनीकी कौशल से जुड़े सभी व्यक्ति भारतीय सांस्कृतिक हिंदू धर्म के अनुरूप लगभग सभी लोग पूजन करते हैं। इसी संबंध में अवकाश को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। आज हम यहां पास उपस्थित हुए हैं कि विश्वकर्मा भगवान विश्वकर्मा जयंती के लिए छुट्टी प्रदान, पूजा के लिए छुट्टी प्रदान करने के लिए कलेक्टर महोदय साहब को अपना ज्ञापन देने आए हैं। 17 सितंबर छुट्टी घोषित करवाने के लिए, जो छुट्टी हमें पहले मिलती थी और अभी कुछ सालों से नहीं मिल रही है। और ये विश्वकर्मा पूजा जो है हमारी 17 सितंबर की, वो केवल यहाँ नहीं, देश प्रदेश हर जगह होती है और बड़ी बड़े कारखाना जो हैं वहाँ पे होती है। और हम सिर्फ महोदय जी से यही विनती करते हैं कि हमारी छुट्टी की जो हमारी मांग है वो पूरी की जाए। आज हम सभी विश्वकर्मा समाज के यहाँ एकत्रित होकर अपना ज्ञापन सिर्फ अपने विश्वकर्मा भगवान के पूजन के लिए अवकाश के हेतु श्री सम्मानीय कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करने आए हैं कि वो हमारी खबर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाएं एवं हमारे मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज जी तक पहुंचाएं। और हमें एक दिन जो इसमें अभी कल 17 सितंबर इसमें हमको अवकाश प्रदान करें, अथवा माघ सुदी 13 को विश्वकर्मा भगवान का जन्म उत्सव में अवकाश प्रदान करें। यहीं पे मैं अपनी वाणी को अपना हम आए हैं कि हमारी मांगें पूरी हों, हमें विश्वकर्मा पूजन का अवकाश एवं विश्वकर्मा जयंती का अवकाश मिले, यही हम अपना आवेदन करने आए हैं और हमारी मांगें को पूरी करें। हमने आज विश्वकर्मा भगवान को ज्ञापन सौंपा है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है, ताकि हमारे यहाँ ऐच्छिक अवकाश रखा जाए 17 सितंबर को, ताकि हमारे जितने भी विश्वकर्मा समाज के भाई बंधु हैं सब एकत्रित हो सके। इसलिए कि कोई अपने काम में व्यस्त है, कोई किसी तरह से कोई ऑफिस में व्यस्त है, इसलिए नहीं आ पाता, इस कारण से ऐच्छिक अवकाश रखा जाए। विश्वकर्मा समाज से सबको आह्वान करता हूँ कि सबको ये आकर के एकत्रित होकर के संगठित हों, ताकि कोई भी रूपरेखा बने तो सबको जानकारी मिले और एक दूसरे से परिचित हो, परिचय कर परिचित करें, ताकि कभी भी कोई काम पड़े तो सभी। क्या है आज ये अपने जो भी विश्वकर्मा समाज के पूरे बंधु हैं ये आज यहाँ आए हुए हैं और इनकी ये मांग है कि प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र, कोई भी इकाई है, वहाँ विश्वकर्मा पूजा तो होती है लेकिन अवकाश नहीं होता, शासकीय अवकाश नहीं होता। इनकी ये मांग जायज है और अच्छा विषय इन्होंने उठाया है। जैसे सभी ऐसे सामाजिक जो भी है उनकी उस दिन अवकाश भी रहता है और उसको भव्यता से मनाया भी जाता है, तो इनकी ये मांग उचित है और सरकार से आग्रह है कि इनकी इस मांग में विचार कर और जो है विश्वकर्मा समाज के पूजा एवं उत्थान के लिए ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हम ये चाहते हैं कि सरकार की तरफ से जो एक दिन की हमारी छुट्टी मंजूर है वो हम लोगों को प्रदान की जाए और हमारी मदद की जाए कि वो रास्ता दिखाया जाए कि हमारा विश्वकर्मा समाज का उत्थान